like you ever felt. Are you listening? Damn. देश की मिट्टी कहाँ कहाँ काम आती है। हम लोग हर जगह अपने देश की मिट्टी को, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी मिट्टी है उसको कहाँ कहाँ लोग यूज करते हैं। फॉर्मिंग करना हो या फिर घर की सीढ़ी उसको ऊंचा करना हो, मतलब कहीं भी कुछ भी करना हो, हर जगह मिट्टी, मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। अभिषेक यार मिट्टी गिरी हुई थी, उतनी थी क्या, मतलब वही 8-10 ट्रैक्टर जितना भी था। इधर ट्रक से नहीं गिरता, इधर ट्रैक्टर गिरता है, ट्रैक्टर से ना ट्रैक्टर, इट्स ट्रैक्टर। तो गांव में हर चीज़ को हम लोग ट्रैक्टर बोलते हैं। सो ये था अपना गांव, ये था अपना घर, बाकी चल रहे हैं हम लोग अपने घर पे जहाँ पर रहते हैं अभी फिलहाल में। अभी पिछले वीडियो में सीन किया था कि थोड़ी सी आवाज़ मेरी डाउन थी, धीरे धीरे बोल रहा था, आराम से बोल रहा था। पिछली वीडियो में आप लोग देख के बताना जरूर कि आपको कौन सी फ़ोटोज अच्छी लगी। कमेंट नहीं किया तो वापस जाओ कमेंट करो, मैं इस वीडियो पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना, लोग देखना जरूर। ओके नहीं था, गया था मैं यहाँ पे वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, सीमेंट पहुँचाने के लिए। थोड़ा कम पड़ गया था सीमेंट का, तो 2 ही बोरी कम पड़ा था, तो 2 बोरी तो इसके डिग्गी में डाला, मस्त लेके 2 बोरी सीमेंट पहुँच गया। पर्सनल गाड़ी को हम लोगों ने वो बना दिया है, सामान बनने वाली गाड़ी, इसी से सब काम अपना होता है। दुकान का सामान लाना वो भी इसी से होता है, दुकान का सामान लाना होता है, गाड़ी उठाता हूँ जाता हूँ पीछे। मतलब 500 लीटर का बूट दिया हुआ, तो 500 लीटर तो सफिशियंट बूट फॉर एवरीथिंग। मतलब 500 लीटर उसमें जाता है। फिर पूरे पूछा पीछे से, पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो जो सीट कवर है ना मेरे, वो नहीं लगा होगा, आप लोग जाके देखिएगा, सीट कवर नहीं लगा। रीज़न क्या था कि दुकान का सामान लाए थे तो उसको वहाँ से हटा के रख दिए ताकि अंदर, ताकि गंदा ना हो, तो उसमें सीट कवर नहीं लगा हुआ। आज उसको फिर लगा दिया हम लोगों ने। कल लाए सामान तो अराउंड 4 बज गए थे, तो इधर यूपी में टाइम है 9 से 4 खोलने का, 9 से 4 पर, और फिर सैटरडे संडे आपका बंद रहेगा शॉप, गवर्नमेंट रूल है। तो ऐसा नहीं तो हम लोग केवल संडे को बंद करते थे, तो सैटरडे संडे शॉप बंद हो गई। देन उसके बाद फिर ये सीन 904, तो कल जब हम लोग सामान लेके आए तो 4 बज गए थे सामान लाने में। तो जस्ट हम लोगों ने सामान जैसे ही लाया उसको अंदर किया जस्ट दुकान में, शॉप में, देन उसका फिर बंद कर दिया। तो आज सुबह से लेके 11 तक बच गया था सामान हम लोगों को लगाने में, जो जहाँ पे लगा था अच्छी। देन उसके बाद फिर उठा, खाना वाना खाया, देन इधर चला आया, अब वापस घर जाना, तब जाके नहाएंगे मस्त। भाई आप लोग कमेंट किया करो वीदियो कैसी लगती है। ये ईट दीवार साइड में खड़ी देख रहे हैं, तो खैर अभी भी है, बट उसका कुछ ऐसा सीन हुआ कि वो 5-7 साल में उसका पूरा सीन ही बदलने वाला वहाँ से, तो इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, अगर मैं घर की तरफ गया शाम तक या सुबह तक, तो मैं आपको पूरा इसमें तो नहीं बता पाऊँगा, चलिए उसके लिए पूरा घर से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा एक दिन बनाना। घर से लेके पूरा वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मुझे आपको दिखाना है, सब कुछ रहेगा, थोड़ा 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी। देन उसमें आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्यों गया था वहाँ पे। बहुत से लोग इसको मिस कर रहे होंगे, तो भाई मिस मत करो, आ जाओ खा लो, मेरी तरफ से दावत है। तो उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं वहाँ से वहाँ क्यों शिफ्ट हुआ, पूरा डिटेल्स वीडियो रहेगी। यहाँ से निकलूंगा फिर वहाँ पे जाऊँगा, ऐसे हम लोग बचपन में भी कभी कभी साइकिल से रेस करते थे, जो हमारे सामने जाता था उससे रेस, जो भी कार बाइक जो भी जाती थी उसी के स्पीड में चल के, उससे ज़्यादा स्पीड में चल के उसी से रेस करते थे, उससे आगे निकलने की चेष्टे में, लेकिन निकल नहीं पाते थे, नहीं सक्सेस हो पाए कभी भी। साइकिल से कौन सक्सेस हो पाएगा गाइस,
बाकी अपना घर आ गया है। बाकी कोरोना के केस ऐसे कम होने वाले नहीं है, बात करने कोरोना पे तो कोरोना के केस ऐसे बिल्कुल भी कम नहीं होने वाले। आप सोच रहे हैं कि कल सटरडे संडे बंद कर देने से पूरे इंडिया का कुछ कुछ भी नहीं असर पड़ने वाला है, रियलिटी जो है उसको मान के चलिए। आप 5 दिन फैलाइए फिर 2 दिन में कम करिए, उसी को 2 दिन साफ करने में लग जाएंगे। 5 दिन गंदगी करिए, एक तरीके से घर नहीं होता है, 6 दिन गंदा करिए संडे को साफ करिए, वही है। 5 दिन कोरोना फैलाइए, 2 दिन उसी कोरोना का साफ करिए। जो आपके करंट चल रहे हैं आप उसी परेशान है, जो रिसेंट में पड़े हैं जो जो पास्ट है उसको तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे कभी। तो कोरोना ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला जब तक उसको एक प्रॉपर लॉकडाउन नहीं होगा और कड़ाई से लॉकडाउन नहीं होगा। यहाँ लॉकडाउन कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ये अपनी दुकान है, लॉकडाउन यहाँ कोई फॉलो ही नहीं करता है सब। बस जब मन किया घर से बाहर निकल गया, जब मन किया तब जहाँ चला गया।